फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि हैव बीन और हैज बीन को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप कहते हैं कि हैव बीन या हैज बीन के साथ जब एक नाउन या एडजेक्टिव आता है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या सेंस होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस शानदार लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, हैव बीन या हैज बीन के साथ एक नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान कोई चीज रह चुका है, यानी गुजरे हुए वक्त में वो ये चीज रह चुका है, अब वो नहीं है। जैसे अगर मैं बात धोनी की करूं तो मैं कहूंगा धोनी कप्तान रह चुके हैं, यानी बातों से पता चला कि धोनी अभी कप्तान नहीं है लेकिन गुजरे हुए वक्त में वह कप्तान रह चुके हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे धोनी हैज बीन अ कैप्टन, यानी धोनी एक कप्तान रह चुके हैं। फ्रेंड्स, कई बार इस तरह के सेंटेंसेस में टाइम आता है, जैसे धोनी 3 साल कप्तान रह चुके हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे धोनी हैज बीन अ कैप्टन फॉर 3 इयर्स, यानी धोनी 3 साल कप्तान रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार इस तरह के सेंटेंसेस में टाइम आते हैं और कई बार नहीं। अगर आपके सेंटेंसेस में टाइम आएंगे तो आप सिंस या फा का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस फा का इस्तेमाल आता है क्योंकि यह वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। बाय द वे, अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने आई के सिंबल में यह वीडियो दिया हुआ है। अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अटल बिहारी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अगर आपको कहना हो कि अटल बिहारी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अटल बिहारी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 times। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस सेंटेंस से ये मालूम हुआ कि अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी मौजूदा दौर में वो अभी प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर आपको कहना हो कि वह एक दुकानदार रह चुका है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज बीन अ शॉपकीपर। वह एक पेंटर रह चुका है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज बीन अ पेंटर। मैं आपके कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ तो सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा I have been the principal of your college। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको have been और has been का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया कि जब have been या has been के साथ आप कोई noun या adjective का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के sentences का मतलब होता है कि कोई इंसान past में वह रह चुका है जो अब नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।